ब्रांड टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंचती रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि मैदे की तेजाबियत का इलाज। दोस्तों, गर्मी में तेज़ धूप की वजह से प्यास, पसीना और घबराहट से सर दर्द के तासुर आम तौर पर ज़्यादा पाए जाते हैं। पसीना हमारे जिस्म से निकलता है, ये हमारी सेहतमंदी की एक बहुत बड़ी अलामत है, जिसके ज़रिए हमारे जिस्म से फजूल मादों का अखराज भी हो जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन कभी कभार खुराक की बेतरतीबी और कुछ बद एहतियाती की वजह से पसीने के इस अखराज में जिस्म के जो हमारे मुफीद अज्जा भी होते हैं, जिससे जिस्म में कमज़ोरी, सर का चकराना, जिस्म का ढीला हो जाना, सुस्ती और सबसे बड़ा मसला हमारा ये भी है कि मैदे की तेजाबियत जैसे मसाइल सामने आ जाते हैं। अक्सर लोग इन मसाइल में गर्मियों में लीम पानी, ऑरेंज जूस, कोल्ड ड्रिंक बोतलें वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो गर्मी को भगाने का एक बेहतरीन अमल है। लेकिन मैदे की तेजाबियत की वजह से बेचैनी और घबराहट हो जाती है, जिसके लिए बाज़ औक़ात ये तरीका काम भी नहीं करता। तो आज हम आप लोगों को गर्मी से बचाव के लिए और मैदे की तेजाबियत को ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन शरबत का नुस्खा दे रहे हैं, जिसके रोज़ाना इस्तेमाल से आपकी प्यास की शिद्दत में कमी रहेगी इंशाल्लाह, और बेचैनी, घबराहट और मैदे की तेजाबियत को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा कारामद साबित भी होगी। तो चलते हैं दोस्तों इस नुस्खे की तरफ। आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट किए एक और बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलते हैं दोस्तों नुस्खे की तरफ। सबसे पहले आप लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ें आप लोगों को पंसार की दुकान से बआसानी मिल जाएंगी, जिनमें से नंबर एक पर है हमारे पास देसी शक्कर 2 चम्मच। दोस्तों, आप लोगों ने ख्याल करना है कि जो शक्कर है वो देसी होनी चाहिए। आजकल बाज़ारों में 2 नंबर बहुत ही ज़्यादा बिक रही है। जो नंबर 2 पर है वो हमें चाहिए जो का सत्तू, वो 2 चम्मच होने चाहिए, चाय के चम्मच, ठीक है। नंबर 3 पर है लीमू का रस 1 चम्मच। नंबर 4 पर है नीलोफर, वो भी 1 चम्मच। नंबर 5 छोटी इलायची 1 से 2 अदद, बस 2 हो जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। आलू बुखारा 3 से 4 दाने होने चाहिए। और हमारे पास नंबर 7 पर है जो पानी 1.5 लीटर होना चाहिए। और नंबर 8 है संदल 1 चम्मच। अब आप लोगों ने करना क्या है, इन तमाम एशिया को पानी में मिलाकर जूसर मशीन की मदद से ग्राइंड करके पी लिया करें। रमज़ान में सहरी के दौरान इस्तेमाल करने से प्यास की शिद्दत में भी कमी रहेगी और आपका दिन भी इंशाल्लाह खुशगवार गुजरेगा। और अगर आप बहन भाइयों को हमारी ये वीडियोस, हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने बहन भाइयों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर नुस्खा आप लोगों को समझ नहीं आया तो मैंने इस वीडियो में इधर टेक्स्ट कर दिया है, आप इधर देख सकते हैं।